आया। दोस्त, आज मेरे घर में करोड़ों रुपए हर साल आता है, लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स और दुआओं का पैसा आता है, लाखों लोगों की। इतना इफरात रहता है कि हम लोग किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। तो ध्यान्स करने वाला पूरी दुनिया में एक भी लीडर मैंने ऐसा नहीं देखा जो परेशान हो, तबाह हो और किसी के लिए वो मोहताज हो जिंदगी में। और आप सब उसी नाव पे बैठे हैं। बस अपने फोकस को बढ़ाना है। जैसे मेरे लिए आज पूरी फैमिली सब कुछ से फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने बिजनेस को देता हूँ। वो चीज जिस दिन आपके अंदर आ गई कि मेरे लैला जैसी कोई नहीं, समझ रहे हैं? मेरे साथ 17 साल यही हुआ। लैला की कहानी मैं कई बार सुना चुका हूँ, मैं बहुत बार सुनाया हूँ। लैला आपको पता है थोड़ी काली थी और मजनू स्मार्ट था, लेकिन प्यार था। लैला मजनू का प्यार तो सभी को पता है ना? उसको ऐसा प्यार था कि दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं है। तो उसी तरह मेरा ना ज्यांसी से प्यार है, ज्यांसी मेरी लैला है, मैं उसका मजनू। और मजनू के पिताजी बोले, मजनू के बाप बोले कि बेटा तेरे तमाम सुंदर लड़कियां, तू क्या काली कलोटी के पीछे पड़ा है, तेरी अच्छी लड़की से शादी कराता हूं। मजनू कहता ठीक है अब्बू दिखाइए। उसने पूरे इलाके में डुग्गी पिटवा दी कि जो भी मजनू से शादी करना चाहते हैं अपनी लड़कियों को ले आए। आज एक तरह का स्वयंवर था, स्वयंवर समझ रहे हैं, चुनाव था। मजनू ने सारी लड़कियों को देखना शुरू किया। एक को देखा, उनके वाले साहब बोले कि देख भाई कितनी सुंदर लड़की है। कहते हाँ पापा ये लड़की तो बहुत सुंदर है लेकिन मेरी लैला जैसी। दुकान कहने लगे इस लड़की को देख, कहने लगे बड़ी स्मार्ट है, गोरी है, पढ़ी लिखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन मेरी लैला जैसी। तीसरी चौथी पांचवी बीसियों लड़कियां दिखा डाला, बोला मेरी लैला जैसी नहीं। वही हाल मेरा था कि 16 साल के अंदर सैकड़ों कंपनियां आई, हजारों ऑफर आए, करोड़ों करोड़ के ऑफर। कोई भी आदमी हिल जाएगा करोड़ दो करोड़ में, यस या नो? ऐसे ऑफर मेरे पास भी आए, 1 करोड़ ले लो, मर्सिडीज ले लो, सर मेरी कंपनी उठा दो। मैंने कहा मुझे खुद ही एक कंपनी ने उठा रखा है तो मैं फिर नीचे आ गया। हमने करोड़ों के भी ऑफर को ठुकराया। क्यों? कि हमें ध्यान की पावर पता है। ध्यान वो प्लेटफॉर्म है जहां पिछले 15 सालों से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं लीडर अपनी अपनी चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं। उन्हें दुनिया का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लीडरों पे अपनी 5-5, 7-7, 10-10 गाड़ियां हैं। अभी लुईस टंडन ने BMW की 4 करोड़ की गाड़ी ली है। अब पता है उसके पास कितनी गाड़ी है? 8 गाड़ी है। और मैं उसी को अपना प्रेरणा मानता हूँ। अभी मेरे पास भी 5 हो गई है, लेकिन अब मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अब इसके बाद नेक्स्ट हेलीकॉप्टर। मेरा गाड़ियों का पूरा सपना BMW लास्ट ही मेरी, इसके बाद आना है तो हेलीकॉप्टर आना है, कोई गाड़ी नहीं आनी। तो कोई भी बंदा अपनी अगर लाइफ को डेडिकेट करता है इतिहास के लिए तो उसकी तो लाइफ डिवाइन होगी, उसके आने वाली जनरेशन की भी लाइफ डिवाइन होगी। आज हमारे बेटे को किसी भी तरह की, एक बाप जितना कैश दे सकता है उतना मैंने उसको कैश दे रखा है, उतनी प्रॉपर्टी दे रखी है, उतनी गाड़ियां दे रखी है, परमानेंट 50 लाख रुपए की इनकम कौन बाप अपने बेटे को दे के जाएगा जीवन में? और अभी 50 है, जब तक मैं रिटायर होऊंगा हो सकता है 1 करोड़ हो जाए। उसकी लाइफ डिमांड। तो ये सब कुछ आप अपने बच्चों, अपनी सेकेंड जनरेशन के लिए दे सकते हो। आज आपको बता दूं, जैसे आप और हम ठोकर खाए हैं वैसे हमारे बच्चे ठोकर ना खाएं। इस चीज के लिए दिल थाम के ध्यान से करता हूं। हो सकता है 1-2 साल, 4 साल पैसे ना आए। आज आपको बताया ना, हर आने वाला साल पिछले साल से अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितना आप 10 साल में मैंने कमाया उतना मैं हर साल कमा रहा हूं।